नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे कोहराम लाइव। कमांडो की ट्रेनिंग ले चुका जाबाज सिपाही चोरवन लगून की डेड बॉडी उसके कमरे के अंदर मिली। लगून का पूरा बदन ठंडा पड़ा था और अकड़ गया था। संदेहास्पद हालत में डेड बॉडी मिलने के कारण लालपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। दिवंगत लगून रांची जिला बल का सिपाही था। उनकी पत्नी बहलेन टोपनो भी एएसआई है। इनका घर लालपुर थाना क्षेत्र के बर्धमान कंपाउंड के धोबी घाट के नजदीक है। बेवा एएसआई बहलेन ने बताया कि इलेक्शन ड्यूटी में वह जामताड़ा में थी। कल लालपुर थाना के एक अफसर ने उन्हें फोन कर यह मनहूस खबर दी और बताया कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर सुन उन्हें काट मार गया। किसी तरह 5 घंटे का सफर तय कर जामताड़ा से रांची पहुंची। यहां घर के कुछ रेंटर और पुलिस से पता चला कि कल बीती रात खाना पीना खाकर सोने चले गए। उनकी 8 साल की मासूम बेटी भी साथ में थी। सुबह देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो कुछ रेंटर उन्हें जगाने गए। फोन भी किया गया पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। घर में लगे टंकी का पानी खत्म हो गया था। इस कारण रेंटर भी परेशान थे कि आखिर इतनी देर तक क्यों सोए हैं। इस बीच दिन के 11 बजे के करीब पापा के साथ कमरे में मौजूद मासूम बेटी को प्यास लगी। वह दरवाजा खोल अंदर से बाहर आई। तब कुछ रेंटरों ने बेटी से कहा, पापा अब तक नहीं उठे, उन्हें उठाओ, पानी खत्म है, मोटर चलाना है। कमरे के अंदर घुसी बेटी ने अपने पापा को खूब हिलाया डुलाया और आवाज दी। तब उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। बेटी के चीखने पर बाहर खड़े रेंटर अंदर गए। कुछ रेंटरों ने देखा कि सिपाही लगून का शरीर पूरा ठंडा पड़ गया, उसमें कोई हरकत भी नहीं थी। यह सूचना लालपुर पुलिस तक गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि सिपाही की मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के बाद जोरमन लगून के पार्थिव शरीर को रांची पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां उन्हें अंतिम सलामी दी गई। लगून की मौत से उनके सहयोगी और साथी काफी दुखी, आहत और मर्माहत है। सुने क्या बोली जाबाज सिपाही की बेवा एएसआई बहलेन टोपनो। इलेक्शन ड्यूटी के दौरान मैं चली गई थी जामताड़ा। जामताड़ा में थी। 18 तारीख को इधर उधर हम लोग को वोटिंग के लिए जाना पड़ रहा था। उसके बाद हम बात नहीं किए घर वाला से उस दिन। उसके बाद सुबह जब दरवाजा नहीं खुलने लगा, रेंटर लोग को पानी की आवश्यकता पड़ रही थी, सेंटेक्स में पानी नहीं था, तो उन लोग हमको फ़ोन किए। भैया को उठा रहे थे तो भैया नहीं उठे, फिर हमको फ़ोन किए तो हम रिसीव किया और बोले कि उठाइए उसको अपने से, एक अपने स्तर से देख लीजिएगा बोल के बोले। तो उन लोग कोशिश किया, नहीं उठा। फिर हम भी रिंग किए तो नहीं उठाए। फिर बहुत हम कोशिश किए इधर उधर अगल बगल वाला से भी, देख लीजिएगा क्या स्थिति है बोल के, तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम 10 बजे के लगभग थाना प्रभारी को फ़ोन किए कि थाना प्रभारी देखिए थोड़ा सा जा करके मेरा घर का दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है, पति से बात नहीं हो रहा है, बेटी से बात नहीं हो रहा है और दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो थोड़ा सा जाके देख लीजिए। फिर बड़ा बाबू बोले ठीक है, आप निश्चिंत रहिए बोल के बोले। फिर आए, हम लोग आ रहे हैं बोले, फिर आए उन लोग तो देख रहे हैं दरवाज़ा खोल के, तो वहाँ उसका लाश पड़ा हुआ था। रेंटर लोग का मुंह से हम नहीं सुने। अच्छा। कि भैया नहीं है उसको, तो थाना वाला हमको कॉल किया कि मैडम आ जाइए जल्दी से, कि आपका हस्बैंड तो अभी नहीं रहे, उसका पूरा शरीर ये हो गया, कड़ा हो गया है। तो हम बोले देख लीजिएगा, अगर शरीर गर्म है तो कहीं एडमिट कर दीजिएगा आईसीयू सब में बोल के। नहीं, वो रात को ही ख़त्म हो गए हैं, आप जल्दी छुट्टी लेके आइए बोल के बोले। फिर हम अपना क्षेत्र जो जामताड़ा क्षेत्र का है नारायणपुर, वहाँ का बड़ा बाबू से संपर्क किए, फिर वो अपना गाड़ी से हमको थाना तक लाए। फिर उसके बाद अपना ऑटो रिजर्व करके पुलिस लाइन आए, जामताड़ा पुलिस लाइन। जामताड़ा पुलिस लाइन से वहाँ का जो ये है एसोसिएशन वाला लोग है, उन लोग मेरे लिए गाड़ी रिजर्व करके रखे, फिर हमको इधर भेज दिए। और वहाँ 4 बजे हम चढ़े तो रांची आने में हमको 4-5 घंटा लगा। हम 10 बजे रांची यानी अपना घर घुस गए। 18 तारीख को शाम में जब ड्यूटी करके लौटे, खाना पीना करके वो सब सो गए, तो दोनों बाप बेटी सब सो गए बेड में, और अंदर से ही सब अपना दरवाज़ा का छिटकनी लगा दिए थे। अब अगला दिन देर तक उठबे नहीं किए थे, लगभग वही 8 से भी पार हो गया था, 8 बज गया, 9 बज गया, फिर भी सब इंतज़ार कर, ठीक है अगर थक गए होंगे तो कुछ देर में उठ जाएंगे ऐसे बोल करके, लेकिन नोक कर रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा,
साढ़े ग्यारह तक बज जा रहा है, फिर भी सब उठ नहीं रहे हैं। रेंटल लोग फ़ोन किया कि कहाँ ऐसे है, देखिए तो भाभी भैया को फ़ोन कर दीजिए कि मोटर ऑन करेगा, खाना वाना सब बनाना है, ये सब फ़ोन करने के लिए कोशिश किए लेकिन रिसीव नहीं हुआ। दिन में कल 11 बजे लगभग उसकी बेटी को प्यास लगी, तब वो उठी, उसके बाद दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खोलने के बाद इनको बोले रेंटर सब कि बेटा आपका पापा को उठाइए तो मोटर चलाना है। तो जा करके उठाती है तो उसका पापा उठ नहीं रहे थे, उठे नहीं, तो आवाज़ दे रही पापा तो उठ नहीं रहे हैं। तब ये सब रेंटर सब जा करके देखते हैं, तब तक तो नहीं थे वो। इसकी पत्नी जो है पीटीसी करने के लिए हजारीबाग गई हुई थी और पीटीसी के दरमियान ही इनको इलेक्शन ड्यूटी मिला था, कल जमताड़ा चली गई थी। कोहराम लाइव के लिए सीनियर जर्नलिस्ट पवन ठाकुर और संजय कपड़दार की रिपोर्ट।